아니야. 그냥 사라지는 까치인데, 나. 얘는 성장하게 되기를 얘가 될게요. 오늘의 일기철에는 뭐지? 이겁니다. 누구 갈게? 누구 걸게? 라는 이야기. 이거 될게요. 빠르. पृथ्वी लोगों से भर गई थी, पर उन्होंने इतना ज्यादा पाप किया कि परमेश्वर को दुख हुआ कि उसने उन्हें बनाया था। उसने पृथ्वी पर से हर एक को मिटाने के लिए एक जल प्रलय भेजने का निर्णय किया।네, 이거 드릴게요. 프로토비 레겐 로겐 로공 세 바르 가이 티 바르 운힌 운네 네 운네누 운누 운누니 일단 저와 저바 저여다 밥 기야 기 버름에 셔르 기 룩 후아 기 우스네 뭐나야 타 우스네 버릇 위 버릇에 하르 액기 미타네 기 니라이 기야 이거라 이거 저거 만들었다요 장미꽃 예쁘지 않아요? 저거만 들었어요. 이 방법을 यहाँ पर नूह यह नाम का एक मनुष्य था जो अन्य लोगों के समान नहीं था। नूह ने परमेश्वर से प्रेम किया और उसके आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को जल प्रलय से बचाने का निर्णय किया। योहान योहान पर नूह नाम की का एक मनुष्य था जो इन्हें लेकिन लोगों के समान नहीं था परमेश्वर से प्रेम किया निपया किया
परमेश्वर ने नूह को जल प्रलय के बारे में सावधान किया। उसने उसे एक नीची छत, तीन कोठरियों, एक खिड़की और एक द्वार के साथ एक विशाल जहाज बनाने को कहा। आज्ञाकारिता में नूह ने इसका निर्माण किया। परमेश्वर ने नूह की जल पर लाया के बार में साफ गर गन किया। उसने उसे एक निजी दूध तीन किता किथ रिया यंग यंग एक खिलकी और एक दूर के साथ एक विशाल शार जहाज बनाओ की कहा। आज्ञाकारिता में नूह ने इसके का निर्माण किया। किसने परमेश्वर से प्रेम किया और आज्ञा का पालन किया? दुआ का आनंद में भी था आनंद में तेरे मंदिर में रहता है। तेरे मंदिर को चंद 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 मंदिर को कदम था मंदिर भाया वो दूर है तो जिंदा दूर है दूर है परमेश्वर ने नूह को प्रत्येक जानवर की किस्मों में दो दो करके लेने को कहा, एक नर एक नारी। तब नूह, उसका परिवार और जानवर जहाज के अंदर गए। परमेश्वर ने द्वार को बंद कर दिया। परमेश्वर ने नूह की परिचर्या जानवर किस में तीजी करके लेने की कहा। एक नारी तब नूह उसका परिवार और जानवर जो जहाज के अंदर गए। परमेश्वर ने उन्हें डर की बिंद कर दिया। Oh.
40 दिन और 40 रात तक बारिश आती रही। पानी आकाश से गिरा और समुद्रों और झीलों से भी ऊपर आया, यहां तक कि सबसे ऊंचे पहाड़ भी पानी में डूब गए। 40 दिन और 40 रात तक बारिश आती रही, पानी आकाश से गिरा और समुद्र और चीले से भी ऊपर आया, यहां तक कि सब से ऊंची पहाड़ भी पानी में डूब गए। क्या परमेश्वर ने जहाज में प्रत्येक किस्म के एक एक जानवर को लेने के लिए नूह से कहा था, हाँ या नहीं? इन सब के दौरान नूह, उसका परिवार और सभी जानवर बाढ़ के जल के ऊपर तैरते जहाज में सुरक्षित थे। परमेश्वर एक पल के लिए भी नूह को भूला नहीं था। इन सब के दौरान नूह, उसका परिवार और सभी जानवर बाद के चर के ऊपर तैरते जहाज में सुरक्षित थे। परमेश्वर एक पल के लिए भी नूह की भूला नहीं था। परमेश्वर ने हवा चलाई, पानी सूखने लगा, जहाज अरारात पहाड़ पर ठहर गया। नूह ने एक कबूतरी को भेजा, जब वो वापस नहीं आई तो वो जान गया कि अब सब सुरक्षित थे। परमेश्वर ने हवा चलाई, पानी सूखने लगा, जहाज रात पहाड़ पर ठहर गया। नूह ने एक कबूतरी के को बजा, जब भी
वापिस नहीं आई ते वे वो जान गया कि आप सब सुरक्षित थे था। जब पृथ्वी सूख गई, परमेश्वर ने उन्हें बाहर आने के लिए कहा। उसने आकाश में एक इंद्रधनुष को वादे के रूप में रखकर कहा कि वो कभी भी पूरी पृथ्वी को जल प्रलय द्वारा दोबारा नाश नहीं करेगा। जब पृथ्वी सूख गई, परमेश्वर ने उन्हें बाहर आने के लिए कहा। उसने आकाश में एक इंद्रधनुष की वाद के सूप सूप पर पैन में रख कर कहा कि वे वो कभी भी पूरी पृथ्वी की जल पलया पर्याय डालवा दीबारा नाश नहीं करगा। परमेश्वर ने एक इंद्रधनुष को आकाश में वादे के रूप में रखा कि वो कभी भी पूरी पृथ्वी को जल प्रलय द्वारा दोबारा नाश नहीं करेगा। सही या गलत? सही। यो ये देखने दू दू करके रहने या गिरी को पंदे अतना चीज ना हो। तो मानता है। बाय बाय।